नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते पहली खबर से। यूपी में 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पार्टी के लिए 37 साल पुराने मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। वहीं राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से सभी 403 विधायकों को आवास का आवंटन भी किया जा चुका है। वहीं मौजूदा सरकार के मंत्री अपने आवास में रह रहे हैं। दोबारा मंत्री मंडल में जगह मिलने पर वो वहीं बने रहेंगे। साथ ही साथ नए मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार कर लिए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किए गए हेलीपैड डायल 112 में भी हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही पीएम समेत 200 वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित भी किया गया है। तो यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले गाड़ी तैयार हैं और शपथ ग्रहण समारोह के लिए 200 वीआईपीओं को आमंत्रित भी किया गया है। आपको बता दें कि एक बड़ा इतिहास रचा है बीजेपी ने। 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर इतिहास रचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। वहीं राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से सभी 403 विधायकों को आवास का आवंटन किया जा चुका है। मौजूदा सरकार के मंत्री अपने आवास में रह रहे, दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर वो वहीं बने रहेंगे जहां पे वो हैं। और साथ ही साथ नए मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले तैयार कर लिए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के मोदी के लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। डायल 112 में भी हेलीपैड बनाया गया है। पीएम मोदी समेत 200 वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इकाना स्टेडियम में अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग मौजूद होंगे और 403 सभी जो नए मंत्री हैं, जो नए विधायक बने हैं, 403 विधायक बने हैं, उनके लिए बंगले और गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है योगी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह की, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या लगता है इन तैयारियों को देख के कितना भव्य होने वाला है, 2024 के लिए किस तरह का संदेश जाएगा? बिल्कुल, बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। निश्चित रूप से 37 साल पुराना मिथक तोड़ा है और किसी सरकार, किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश रहेगा आम जनता के लिए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा समारोह कर रहे हैं, बड़े बड़े इसमें लोग आ रहे हैं, 200 वीआईपी भी आएंगे और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके जो सहयोगी हैं वो भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह जो गृहमंत्री हैं वो भी रहेंगे और 200 वीआईपी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, वो लाभार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिससे कि एक खास संदेश जाए कि जो हमारी योजनाएं हैं वो जनता के बीच जाइए और जनता को उससे लाभ मिल रहा है, इसे जनता ने हमको वोट दिया है। और निश्चित रूप से जो आपका शपथ ग्रहण समारोह है, इसके बाद भी लगातार सरकार की कोशिश रहेगी कि किस तरह से 2024 के लिए तैयारी की जाए कि 2024 का चुनाव जो है बड़ा चुनाव रहेगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहती है लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से संदेश भी जाएगा और बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए गए। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अखिलेश यादव से लेकर और प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, सबको आमंत्रित किया गया है, तो बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। जी, तो बड़े चेहरों को आमंत्रण भी भेजा गया है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तो क्या सभी शामिल होंगे? और अगर बात करी जाए अन्य मुख्यमंत्रियों की, तो उनमें से कौन कौन आ सकता है? मुख्यमंत्री की बात करें तो जो अभी फिलहाल में जहां पर बीजेपी सरकार है वहां का मुख्यमंत्री है। हालांकि जहां पर अगर गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत जो वहां भी सरकार बननी है, उत्तराखंड की बात करें पुष्कर धामी के नाम पर मुहर लग चुकी है, मणिपुर की बात करें तो एस बीरेन सिंह का भी नाम लगातार चल रहा है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि उनकी उम्मीद भी जाने के लिए। फिलहाल बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, अलग संदेश जाएगा। और निश्चित रूप से आप पहले भी देख चुके हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है, अयोध्या में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने देखे थे, बड़ा कार्यक्रम हुआ था दीदन महोत्सव, उसमें भी बड़ी संख्या में जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो आए हुए थे, तो एक अलग संदेश देना चाहते हैं। और बीजेपी का हमेशा सोचना ये रहा है कि देश को एकजुट करना है और
2024 का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए सारे लोगों को एक साथ करना है, सारी चुनाव को एक साथ बताना भी है और जनता को भी संदेश देना है कि हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करते जाएंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो इकाना में इस वक्त कैसा माहौल देखने को मिल रहा है गौरव? निश्चित रूप से वहाँ पर किसी की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, मीडिया भी वहाँ पर अंदर नहीं जा सकती, मीडिया के आप बाहर से जायजा ले सकते हैं और हम लगातार देख रहे हैं। आज भी वहाँ पर लखनऊ की मेयर श्वेता भाटिया गई थी और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी वहाँ गए थे, लगातार जायजा ले रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़े विशिष्ट अतिथि वहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर आएंगे और कई लाख वहाँ पर लोगों की पहुँचने की संभावना। निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है, इसलिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। अगर बात करें तो 112 नंबर जो मुख्यालय है उस पर भी प्रधानमंत्री के हेलीपैड बनाया गया है, एक वैकल्पिक औपचारिक हेलीपैड रहेगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री उतरेंगे। तो निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है और स्वच्छ व्यवस्था व्यस्त रहने की उम्मीद रहेगी। जी गौरव, ये भव्य बड़ा कार्यक्रम है और इसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में है? नहीं, जिम्मेदारी तो सबके हाथों में है। कोई अगर देखा जाए तो प्रदेश की कमान जो संभाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो तीनों डिप्टी दोनों डिप्टी सीएम है वो भी इस कार्यक्रम देख रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम के लिए पहले से बताया गया है, सभी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक जिले से दो दो कार्यकर्ता आने उनकी जिम्मेदारी दी गई है। बोल लोग 24 मार्च को वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं देखेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम हिसाब से सभी लोगों को, जिलाध्यक्षों को, बड़े पदाधिकारियों को कह दिया गया है और समृद्ध रूप से यहाँ पर कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो भव्य समारोह होगा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद तमाम मिथकों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पे काबिज होने जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में, जो कि आपके शहीद पद पर मौजूद है, वहाँ उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर के 75 जिलों से कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम ऐसे गणमान्य मौजूद होंगे और इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 403 विधानसभाओं में से जीत कर आए उन सभी विधायकों का आवास राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा आवंटित कर दिया गया है और साथ ही साथ जो मंत्री नए मंत्री शपथ ग्रहण में इस बार शपथ लेंगे उनका भी आवास शपथ ग्रहण के बाद उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो जो पुराने मंत्री रहे हैं और इस सरकार में फिर से रिपीट करेंगे वो उसी आवास में रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो जो मंत्री पिछले सरकार में रहे या हार गए या वो पार्टी छोड़कर चले गए तो उनके आवास को पूरी सफाई कर दी गई है और सुसज्जित रूप से नए मंत्रियों के लिए तैयार किया जा चुका है। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के आवास के ठीक बाहर, जहां आप देख सकते हैं पूरे आवास को पूरे सजा दिया गया और साफ सफाई कर दी गई है नए मंत्री के लिए। वहीं आपको बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि नए विधायक और मंत्रियों के लिए लगभग 200 गाड़ियों का बेड़ा उनके पास मौजूद है और जरूरत पड़ने पर और भी किराए पर लाई जा सकती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभान सूप प्राइम टीवी लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के बाद भी लगातार सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव हारने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अखिलेश करहल सीट से विधायक चुने गए हैं तो वहीं रामपुर शहर से आजम खान चुनाव जीते हैं। दोनों ने ही अपने पद से लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां हार की समीक्षा करती विपक्ष नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने मुख्य विपक्षी के तौर पर उत्तर प्रदेश में ही कुर्सी संभालने का फैसला किया है। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से अखिलेश ने ये बड़ा फैसला लिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और विधायक के तौर पर ही वो काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये अखिलेश के लिए? बिल्कुल, देखिए शिखा, बिल्कुल महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि लगातार बोला जा रहा था
कि वो आजमगढ़ सीट छोड़ेंगे कि करल सीट छोड़ेंगे, क्योंकि आप एक ही संवैधानिक सीट पर रह सकते हैं। अभी उन्होंने हाल में ही मैनपुरी की करल से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, तो माना जा रहा था कि आजमगढ़ छोड़ेंगे या करल छोड़ेंगे। तो आपको बता दूं अखिलेश यादव ने ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ा था, और पहले वो सबसे पहले करल गए थे, करल में जनता का बातचीत की संवाद किया था, और कल अखिलेश यादव आजमगढ़ थे, आजमगढ़ में जनता संवाद किया है, उसके बाद बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आजमगढ़ की सीट छोड़ूंगा, और निश्चित रूप से ये फैसला इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ और गठबंधन से 125 सीटों के साथ विपक्ष में आई है, तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए ये बहुत आवश्यक था। और निश्चित रूप से जिस तरह की राजनीति है, 2024 का चुनाव है, और 24 चुनाव में को देखते हुए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका बेहतर फैसला है। इनके साथ साथ जो रामपुर से सांसद हैं आजम खां, वो भी अपना सीट छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है हम भी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जो सीट छोड़ने के जो इनके जो इनका जो फैसला है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और निश्चित रूप से आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी को मजबूत करेगा और मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी हो पाएगी। जी गौरव, जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है, लोकसभा के पद से इस्तीफा जो दे दिया है, तो इससे 2024 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? सपा क्या 2024 के चुनाव में किस तरह प्रदर्शन करने वाली है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल से बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि 2024 का चुनाव है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रहती है। उस भूमिका के तहत अगर हम देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो 75 लोकसभा सीटें, उन सीटों पर बेहतर काम करना है। उसके साथ ही चूंकि समाजवादी पार्टी को इस बार जो जनता ने मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका दिया है, अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2017 चुनाव की बात करें, तो मात्र 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, पर इस बार 125 सीटों के साथ गठबंधन के साथ आई हुई है। तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाना बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से भूमिका जब मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव में उनको जरूर मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो अखिलेश का लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा कहीं ना कहीं आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है, लेकिन एक मुख्य विपक्षी के तौर पर वो अपनी जमीन मजबूत कर सकते हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। आम जनता की जेब पर 110 दिन बाद एक बार फिर से महंगाई का जोरदार झटका पड़ा है। आज 4 महीने बाद पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पेट्रोल के दाम में 110 दिन बाद 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल 137 दिन बाद 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं रसोई गैस यूजर्स को भी मंगलवार को झटका लगा है। इसकी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को एक झटके में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसी के साथ देश के अधिकतर प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के करीब पहुंच गई है। एक बार फिर महंगाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बढ़ती कीमतों का विरोध भी किया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी, 80 पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। अब ऐसे ही रोज जनता की सांसें किस्तों में छीनी जाएंगी। क्यों भैया, चुनाव खत्म हो चुका है, महंगाई तो शुरू होनी ही है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। अनुराग भदौरिया का बयान सुना, उन्होंने महंगाई पर एक बार फिर तंज कसा है, सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। इस खबर पर हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से आज जनता को झटका लगा है, महंगाई की मार देखने को मिली है, क्या कहेंगे इस पे? एक बार फिर पेट्रोल की कीमत और रसोई गैस की कीमतों में उछाल आया है। आपको बता दें कि रसोई गैसों में लगभग 50 रुपए का उछाल आया, और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे का उछाल आया है। वहीं आपको बता दें कि आज सदन में दिल्ली के सदन में आज राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने इस विपक्ष जो कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखी, और महंगाई को लेकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि ये लोग कहां से चुनकर आए हैं, जनता तो इन्हें नहीं सुनी है। वहीं अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो, उनके तरफ से बताया गया है कि जो घरेलू गैस है वो उत्तर प्रदेश में 1000 के पास, वहीं पटना में 1000 के पार। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजलों और घरेलू जो गैस है उससे लॉकडाउन हट चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस बढ़ते घरेलू गैस और ईंधन कंपनियों का साफ तौर पर जो शुल्कों में बढ़ोतरी की गई है, इसमें यूक्रेन और रशिया के
युद्ध जो बीच युद्ध हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि लगभग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं उछाल हुई। इसके साथ ही साथ लगभग विधानसभा चुनाव के जब ऐलान हुए उसके बाद से अभी खत्म होने के बाद पहली बार पेट्रोल और रसोई गैसों पे बढ़ोतरी की गई है। वही आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव के समय आपने देखा था कि विपक्ष खास करके कांग्रेस आप और आपके समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर काफी सवाल उठाया था। वही आज जया बच्चन ने भी संसद के अंदर में कहा कि अखिलेश अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा करते थे कि सतर्क रहिए, अगर हम हारे तो फिर से इन पेट्रोल पे बढ़ोतरी होगी और चुनाव के बाद ऐसा होगा और ऐसा हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है, 80 पैसे पेट्रोल डीजल दोनों ही चीज महंगी हुई है। तो वहीं अगर रसोई गैस की बात करी जाए तो वो भी 1000 रुपए के करीब पहुंच गई है। चुनाव के बाद भी राजनीति चरम पर है। कांग्रेस कमेटी में विवाद थम नहीं रहा है। कांग्रेस नेता जीशान हैदर ने यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि जीशान हैदर ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में जीशान ने लिखा, जब तक प्रियंका प्रभारी रहेंगी उनके नौकर काम करेंगे। तो सीधे तौर पर यह हर बार देखा गया है कि अंदरूनी विवाद देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसका असर राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह देखने को मिला है और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। अंदरूनी कलह देखने को मिलती है। तो वहीं अब प्रियंका जो कि उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, जिन्होंने इतना मजबूत किया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मजबूती लाने का काम किया है 2024 के लिए, जमीन तलाशती मजबूती लाती नजर आ रही है प्रियंका। और अंदरूनी कलह कलेश जिस तरह से देखने को मिल रहा है पार्टी में, कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है कांग्रेस पे। जीशान हैदर ने यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग करी है। इससे पहले G23 की जिस तरह से टीम बनी, अंदरूनी विवाद देखने को मिला राजस्थान में, जिस तरह से कलह कलेश देखने को मिला पंजाब में भी, अनबन देखने को मिली, और जिस तरह से ये हर बार देखने को मिला है कि जो नेता है कांग्रेस के उनमें आपस में ही नहीं बनती है, वो कभी किसी एक मुद्दे पर सबकी एक राय नहीं देखने को मिलती है। तो ये सब तमाम चीजें ही है जो असर डाल रही है पार्टी पे, कहीं ना कहीं कमजोर बनता जा रहा है कांग्रेस विपक्ष के रूप में। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह से जीशान हैदर ने यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग करी है, जिनकी बदौलत इस बार अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये सही है? अंदरूनी कलह विवाद का कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पे? और वहीं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गया। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से चाहे वो G23 ग्रुप हो या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, वो लगातार इसको लेकर आवाज उठाते आए हैं। जिस तरीके से किसान हैदर की बात आपको बता दें, जिस तरीके से 10 मार्च को नतीजे सामने आए थे, तो वहीं 11 मार्च को किसान हैदर ने पार्टी के चीफ सेक्रेटरी पर सवाल उठाए थे। उनका साफ तौर से ये कहना था कि पार्टी इसको लेकर विचार विमर्श करे, और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर भी सवाल उठाए थे और हार का जिम्मेदार उन्हें बताया था। इसके बाद पार्टी के चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं इसके बाद भी जीशान हैदर लगातार अड़े हुए हैं। वहीं उनका साफ तौर से ये कहना, इसको लेकर आज उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ये हमेशा से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन होता था या पार्टी हार जाती थी, उसके बाद चाहे वो प्रभारी हो और चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उनको उनसे इस्तीफा ले लिया जाता, चाहे वो 2012 की बात हो चाहे 2017 की बात हो। और वही 2022 को लेकर जिस तरीके से अभी बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल अली ने इस्तीफा दिया है, वही इसके बाद उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस्तीफे की बात की और उन्होंने इसको लेकर सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है जिस तरह से अंदरूनी विवाद है, और इसका एक और असर देखने को मिला है। जीशान हैदर ने प्रियंका गांधी से ही इस्तीफे की मांग कर दी है, तो आखिर इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस